तो आशू को बनाने देते हैं। ये क्या सीन है भाई? हेलो हेलो, कैसे हो? मैं कह रहा पहचान बना लेगा अगर जानने वाली ना हुई तो। बड़े हरामी हो, क्या सीन है? जानने वाली नहीं, वो हाय कर रही है वो। अबे ओ, ओ, ओ। क्योंकि ये निकले थे अपने फैशन में और अभी इनका फैशन निकल गया यहाँ पे। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो वही अभी पहुँच चुके हैं हम देहरादून और मॉर्निंग का टाइम है भाई, सुबह सुबह देहरादून पहुँच चुके हैं और देहरादून से ही ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि भाई काफ़ी जल्दीबाजी में आना हुआ, मेरा कोई प्लान नहीं था। आशु भाई के साथ अभी देहरादून आ चुके हैं। आशु भाई चल रहे हैं सामने अपनी MT15 पे और एक MT15 अपनी चल रही है भाई, आज मज़ा आने वाला है राइड पे। तो अभी देखते हैं भाई कहाँ का प्लान बनाते हैं। पहले तो भाई देहरादून में ही कहीं जाने वाले हैं भाई, आज देहरादून में ही कहीं की राइड करने वाले हैं या भाई ऊपर की साइड भी चल सकते हैं भाई। आशू ने तो भाई फाड़ रखी थी आज, MT भी फाड़ रखी भाई इसने, 10R तो फाड़ ही देता है। क्या बवाल चलाई भाई इसने। तो अभी चलते हैं भाई, यही प्लान अपना मैगी पॉइंट तक की राइड करते हैं और क्या देख लेंगे। और ही क्या भाई, पिछले संडे भाई मैगी पॉइंट ही गए थे, बाकी इस बार फिर से प्लान बन रहा है अपना कि मैगी पॉइंट तक की राइड कर लेते हैं। इसे बनाना है भाई चॉकलेट रिएक्शन व्लॉग, तो आशू को बनाने देते हैं। ये क्या सीन है भाई, जानने वाली है क्या कोई? क्या रिएक्शन आया भाई लड़की का? तो भाई रिएक्शन तो मिलते रहते हैं भाई, दोनों आज MT एक साथ चल रही है तो रिएक्शन तो बनते हैं भाई। बस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया वो लड़के का रिएक्शन भाई, थंबनेल का काम तो हो ही गया। ओ भाई ये वापस से रिएक्शन दे रही भाई लड़की है, यार जानने वाली क्या भाई आशु की? लग तो कुछ ऐसा ही रहा मुझे थोड़ा थोड़ा सा, जैसे भाई कोई जानने वाली हो। कुछ बोल रही है शायद। अबे जानने वाली है क्या? जानने वाली है। तो चल देखते हैं। आइए देखते हैं। ओ भाई यार पिटवा मत दिए भाई तू। हाँ भाई तो यार बताओ क्या सीन है भाई, लड़की क्या रिएक्शन दे रही है भाई? ओ भाई भाई चल के देख ले, क्या पता जानने वाली निकल जाए, और जानने वाली ना निकली तो बना लेंगे पहचान। मैं कह रहा पहचान बना लेंगे अगर जानने वाली ना हुई तो। बड़े हरामी हो। भाई मुझे डर लग रहा है यार, यार बड़ा हरामी इंसान है भाई, मुझे लग रहा पिटवाना दे यार भाई। अगर जानने वाली भी फिर तो ठीक है, नहीं तो आज मुझे लग रहा पिटवा ही देगा ये तो। भाई मैं तो चाबी ऑन रखूँगा, भागने की तैयारी में रहूँगा कभी इसका भाई भाई पीट दें। भाई इनकी बात चल रही है शारोशम भाई। अबे ओ, 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 यार तू पक्का मरवाएगा भाई। ओ भाई भाई मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं पीछे ही रहूँगा इनसे, मुझे डर लगने लगा अब। ओ भाई कर क्या रहे भाई, नंबर तो मिल गया। अबे फोन क्यों दिया तूने? नंबर ऐसे ही फोन करे तो कैसे दे सकते नंबर? नंबर मिल गया? अबे यार तू बड़ा हरामी आदमी भाई। 7 0 1 8 3 7 4 8 इससे आगे नहीं बताऊंगा, तुम हरामी हो मुझे पता है, कॉल करोगे तुम मेरे को पहले पहले। देख लो भाई कितना हरामी आदमी है, सारे शहरों में नंबर एक्सचेंज कर लिया। अरे इधर ही तो मुड़े हैं। हाँ नंबर तो मिल गया, चलें या अपना ब्लॉग बनाने का कंटेंट तो मिल ही जाएगा। देख लो अगर रुकते हैं कहीं पे तो कंटेंट मिल जाएगा, नहीं तो अपना चल ही रहे राइड करते हैं। देखते हैं भाई, लड़की नंबर दे के गई, हरामी इंसान है भाई। हरामी साले भाई, हरामी तू है, तूने नजरों नजरों में ले लिया, मैं समझ ही नहीं पाया हो क्या रहा वहाँ। नंबर और क्या।
घर के बाहर ही बुला रही है, कभी पीटे दोनों। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर आज जाने का। ए हे, रहा नहीं जाता यार भाई तू सीन। हाँ चलो ऐसा कर लो भाई, अगर पिटता हुआ ना कॉल कर दिया मैं भाग जाऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है तू जा। तो भाई देखो मैं तो नहीं जाऊंगा, अशु को जाने देते हैं। अगर पिटेगा अकेला पिटेगा भाई, क्योंकि कांड इसी ने किया तो मैं भाई इसमें साझेदार नहीं होने वाला। इसे जाने देते हैं भाई, दूर से तो दिख रहा है मुझे भाई। तो गाइस अभी मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, अशु भाई से मेरी बात हो चुकी है। 2000 years later तो भाई ये दोनों ही हमारे साथ जाने वाली है, अशु की बात बात हुई इनसे। तो भाई आशु की इनसे बात हुई, क्या बात हुई भाई मुझे नहीं पता, आशु ने बताया भी बट मेरे समझ नहीं आया कुछ भी। तो अभी ये दोनों हमारे साथ चलने वाले भाई, मैगी तक की राइड कर लेते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं भाई। भाई जिस लड़की की आशु से बात हुई, जिसने नंबर वंबर एक्सचेंज किया, वो भाई मेरे पीछे बैठ चुके हैं, क्योंकि उसे हाइपर राइड पर थोड़ा सा डर लगता है। और बाकी उनकी फ्रेंड आशु के साथ है, तो अभी चलते हैं यहाँ से मैगी पॉइंट, देखते हैं आज की कैसी राइड रहती है मैगी पॉइंट की ना। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया भाई क्या हुआ क्या नहीं, मतलब ऐसे तो देखो नॉर्मल रिएक्शन डेली आते हैं, डेली हम अगर व्लॉग बनाते हैं जब भी बाइक लेके निकलते हैं, बट भाई ऐसा मैंने पहली बार देखा भाई, लड़की वड़की ने नंबर दे दिया भाई, वो बाकी से तो देती रहती है। तो मेरे साथ तो भाई पहली बार हुआ ऐसा। लास्ट टाइम हम मसूरी गए थे तो उतना भाई मज़ा नहीं आया था, क्योंकि लेट हो गए थे थोड़ा सा। आज भी लेट हो सकते हैं बट आज मसूरी नहीं जाने वाले भाई, मैगी पॉइंट तक का अपना पहला ही प्लान था, क्योंकि पिछली बार भी बहुत ठंड लगी थी जाते टाइम, डबल जैकेट पहन रखी थी बट फिर भी ठंड रुक नहीं रही थी। तो आज तो ऐसा प्लान कर रहे हैं हम कि थोड़ा सा जल्दी आ जाएंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे मैगी पॉइंट पे। तो गाइस अभी आ चुके हैं भाई मसूरी रोड पे, और अभी तो भाई 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 क्या लीन मार रहा है भाई यार, इसके लीन ही अलग है भाई, बड़े लेवल के लीन मार रहा है ये तो। कोई नहीं, तुम्हारा भाई भी मारेगा आज भाई। पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया इसी वजह से, और आज दूसरे रास्ते से हम जाने वाले हैं, पिछली बार दूसरे साइड से हम गए थे और आज दूसरी साइड से जाने वाले हैं, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था ना। तो मुझे लग रहा है भाई मेरी बाइक में थोड़ा सा एयर प्रेशर कम है, थोड़ा ही है, ज़्यादा तो कम नहीं है, बाइक थोड़ा सा लोड ले रही है भाई, क्योंकि जल्दीबाजी में आना हुआ ना, इस वजह से करा नहीं पाया मैं, तो मज़ा नहीं आ रहा राइड करने में थोड़ा सा लग रहा है मुझे भाई। ये रोड उससे भी मस्त है भाई, आज संडे तो भाई थोड़ी सी भीड़ देखने को मिल रही है, पिछली बार भी भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी देखते हैं भाई कोई अच्छा सा मैगी पॉइंट, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के रुकते हैं, जहाँ से अच्छा सा व्यू दिखे वहाँ पे रुकेंगे। आशु मिल गया भाई, काफ़ी देर के बाद मिला काफ़ी तेज़ चल रहे हैं भाई ये तो फुल मोड में। इधर लगा देते हैं बाइक, तो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं इधर रेस्टोरेंट में, बाइक अपनी पार्क कर देते हैं, चलते हैं भाई रुकते हैं यहाँ पर। 2000 years later फाइनली गाइज यहाँ पे रुके थे हम भाई रेस्टोरेंट में, अभी पराठे शराठे खाए भाई, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। आशु अभी अंदर है, आशु आने वाला है, बाकी अपने साथ थी आज नेहा और उनकी फ्रेंड, तो अभी यहाँ तक की हमारी एक छोटी सी राइड थी, अभी वापस जाने वाले हैं, वापस जाने वाले हैं अभी घर या ऊपर चलते हैं मसूरी, घर जाने वाले क्यों मसूरी नहीं चलना। तो भाई आगे नहीं जाने वाले हम, क्योंकि इनको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ये निकले थे अपने फैशन में और अभी इनका फैशन निकल गया यहाँ पे। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आज हम लेट नहीं करने वाले, आज थोड़ा सा जल्दी निकलने वाले हैं यहाँ से, तो निकलते भी यहाँ से। तो फाइनली गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से भाई, काफ़ी टाइम हो गया, हम 4 बजे निकलने की सोच रहे थे बट अभी 5 बजने वाले हैं और 5:30 पे भाई अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जल्दी से निकल लेते हैं। और मेरी जैकेट भी भाई शॉप पर रखी हुई है, जो मामा की शॉप है, तो निकलते हैं यहाँ से भाई अभी। अभी डायरेक्ट हम जाने वाले हैं ISBD भाई, वहाँ पे अपनी जैकेट वैकेट रखी है, जैकेट वैकेट उठाएंगे फिर वहाँ से चलेंगे घर के लिए,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा भाई, नहीं तो अंधेरा नहीं होना चाहिए बस, बाकी सब तो ठीक ही है। और भाई आशू क्या लीन मार रहा है भाई, आशू के लीन चेकआउट मारो एक बार। तो भाई अभी निकल रहे हैं घर के लिए, इनसे भाई काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, तो देखते हैं भाई अगली बार मिलेंगे इनसे, अगली बार भी व्लॉग बना लेंगे। मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट टाइम कब मिलोगे? अच्छा देखते हैं, अभी कोई प्लान नहीं है। तो भाई कैमरा डाउन होने वाला है, तो इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। होप करते हैं गाइज आज आपको वीडियो में मज़ा आओगे, वीडियो में मज़ा आओ तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी से जल्दी मस्त और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।